हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका बड़ा दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिपयार्ड शेयर के बारे में। माझगांव डॉक शिपयार्ड शेयर आप देख सकते हो कि लगातार दो दिन जो है आपका यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, और साथ ही साथ अभी बहुत बड़ा न्यूज़ भी आया हुआ है। तो लेटेस्ट सपोर्ट जो है माझगांव डॉक इंडस्ट्री का वो है 2045, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, और ये पूरा देख सकते हो कि सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से स्टॉक फिर से पुल बैक होगा और रिकवर करेगा। आपका पहला जो रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे 2180 का, ये आपका रेजिस्टेंस है। जितना जल्दी इसको कवर करेगा इतना तक इसका इनिशियल टारगेट भी है, और ये जो डेप्थ है इस डेप्थ को आपको प्लेस करना है यहाँ पे, इस हाइट को। तो ये आपका टारगेट निकल के आ रहा है 2400। तो 2400 के आसपास आपका टारगेट होगा। और क्यों ऐसा होगा, तो रेजिस्टेंस बता दिया हूँ, सपोर्ट बता दिया हूँ, और टारगेट भी बता दिया हूँ 2400। जो मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट तक ये 2400 का टारगेट आपको आता हुआ दिख सकता है। आज 10 दिसंबर है, अभी भी आपके पास 21 डेज टाइम है। कल से मंडे है, कल से बाजार खुलते ही मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छा खासा तेज़ी आ सकता है, और ये तेज़ी आपका मान के चलो 10% के आसपास कल एक माझगांव डॉक शिपयार्ड्स में एक बाउंस आ सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि न्यूज़ का 37,500 करोड़ का ऑर्डर बुक किया है। FII अपना पोजीशन बढ़ाया है, माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग कंपनी है, और न्यूली ऑर्डर मिला है 1,145 करोड़ का, जिसका 900% आपका रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। 6 मंथ में 90% के आसपास रिटर्न दिया है। माझगांव डॉक शिपयार्ड्स मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC से, तो रिप्लेसमेंट होगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, और ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट आपका 44.4 किलोमीटर का है। तो बहुत ही बड़ा रिपेयर कॉस्टिंग का एक आपका ऑर्डर मिला है, जिसका टोटल वैल्यूएशन ऑर्डर का 1,145 करोड़ के आसपास है। और ये आपका कितना जल्दी कंप्लीट होगा देख सकते हो, May 15, 2024 के अंदर। तो आप सबका नज़र होना चाहिए माझगांव डॉक शिपयार्ड्स में, और दिसंबर लास्ट तक 2400 रुपये के आसपास टारगेट बन सकता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आप ही का चैनल है मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।